आज हम पढ़ेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट में इन्वायरमेंट एनालिसिस। ये टॉपिक हमारा, इसके पहले कॉर्पोरेट प्लानिंग पढ़े थे उसमें आया था ये टॉपिक इन्वायरमेंट एनालिसिस। आज हम इन्वायरमेंट एनालिसिस में जानेंगे इन्वायरमेंट क्या होता है इसके बारे में, एंड टू नो अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट या क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। तो आइए देखते हैं इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट का अर्थ है, सिंपल अर्थ है, पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है? नॉर्मली आप लोग पर्यावरण के बारे में जानते हैं, साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण का संधि विच्छेद करें तो परिधान आवरण, यानी परि का अर्थ है चारों तरफ, आवरण का अर्थ है घिरा हुआ, यानी चारों तरफ से घिरा हुआ। इसी प्रकार हम बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में अगर बात करें तो हम कह सकते हैं वे सभी व्यक्ति, संस्था या अन्य कारकों का योग, उन सभी व्यक्तियों, संस्थाओं एवं अन्य कारकों का योग जो क्या करते हैं, एक व्यवसायिक उद्यम को प्रभावित करते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, बिजनेस पर्यावरण या व्यवसायिक पर्यावरण कहते हैं। वो हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं, यानी जिसके हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं वो हमारे नियंत्रण से क्या है, बाहर है। तो इसी तरह बिजनेस जिसके चारों तरफ से घिरा हुआ है तो वो क्या है, वो नियंत्रण से बाहर है, उससे हम नियंत्रण नहीं कर सकते। डेविड ने कहा था कि व्यावसायिक पर्यावरण उन सभी परिस्थितियों, घटनाओं एवं कारकों का योग है जो व्यवसाय पर प्रभाव डालते हैं। डेविड ने बताया था कि जो व्यावसायिक पर्यावरण है उन सभी परिस्थितियों, घटनाओं एवं कारकों का योग है। परिस्थितियां कैसी भी हो सकती हैं, एक बिजनेस के लिए कई तरह की सिचुएशन आ सकते हैं, कई तरह की घटनाएं घट सकती हैं उस बिजनेस में, कई तरह के ऐसे कारक हैं जैसे पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, लीगल फैक्टर, जो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इन्हीं का क्या है, योग है, जो क्या करते हैं, व्यवसाय पर प्रभाव डालते हैं। इस तरह से हम देखेंगे वेबस्टर डिक्शनरी में डिफाइन किया गया एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट मींस ऑल द कंडीशंस, सर्कमस्टेंसेस एंड इन्फ्लुएंसेस सराउंडिंग एंड अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म और लिविंग बींग्स। सेम चीज की क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म और लिविंग बींग्स के विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, जो हमारे चारों तरफ से जो हम एक कुछ कंडीशन होते हैं, जो परिस्थितियां होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, वो क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, उन्हीं को कहते हैं हम इन्वायरमेंट। तो ये है हमारा इन्वायरमेंट, एक सिंपल सा डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, वे समस्त कारक जिनसे व्यवसाय प्रभावित होता है, वे समस्त कारक जिनसे व्यवसाय प्रभावित होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यवसायिक पर्यावरण कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट यानी इन्वायरमेंट पर्यावरण की विशेषताएं क्या है। पहला है एक्सटर्नल फोर्सेस टोटली, जो बिजनेस होता है वो एक्सटर्नल फोर्सेस होता है, यानी दोस फैक्टर विच अवेलेबल आउटसाइड, दोस फैक्टर विच आर अवेलेबल आउटसाइड, ऐसे कारक जो क्या है, आउटसाइड बाहर अवेलेबल है, उन्हीं को हम कहते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस। कैसे ये एक्सटर्नल फोर्सेस है, क्योंकि इससे कोई कंट्री कैन नॉट बी कंट्रोल, ये इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता इन्वायरमेंट पे, इन्वायरमेंट में कोई नियंत्रण नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए इसको क्या, इसकी एक विशेषता है कि एक्सटर्नल फोर्सेस टोटलिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इसको स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस कहते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट मेड अप ऑफ बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल। स्पेसिफिक फोर्सेस क्या क्या होते हैं, स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं जैसे कस्टमर, कंपटीटर, सप्लायर, इन्वेस्टर। कस्टमर, कंपटीटर, सप्लायर, इन्वेस्टर होते हैं क्या, स्पेसिफिक। जनरल फोर्सेस क्या है, सोशल फैक्टर, लीगल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, ये होते हैं हमारे जनरल फैक्टर जो क्या करते हैं, बिजनेस को प्रभावित करते हैं। तो वो बिजनेस इन्वायरमेंट की एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसमें ये दोनों फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, स्पेसिफिक एंड जनरल। नेक्स्ट है इंटररिलेटेडनेस। इंटररिलेटेडनेस ये क्या होते हैं, जो डिफरेंट फैक्टर होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के, वो क्या होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं कि इनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनकी एक विशेषता है इंटररिलेटेडनेस। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी, जो बिजनेस है वो क्या है, रिस्क से भरा हुआ, बिजनेस में रिस्क होना ही होना है, तो
इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बिजनेस का इन्वायरमेंट होता है वो अनसर्टेन होता है। बिजनेस में जो भी पॉलिटिकल फैक्टर, जो स्पेसिफिक एंड जनरल फैक्टर है वो क्या करते हैं, अनिश्चितता पैदा करते हैं। सोसाइटी का डिमांड कभी भी चेंज हो सकता है। पॉलिटिकल फैक्टर कभी पॉलिटिक्स में, जैसे हर 5 साल हम एक एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं अनसर्टेनिटी। जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसको कह सकते हैं एग्जिम पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी है तो ये क्या होगी, चेंज होगी। न्यू गवर्नमेंट आएगी, जैसे 5 साल बाद न्यू गवर्नमेंट आती है तो कुछ ना कुछ चेंजेस इसमें किए जाते हैं एग्जिम पॉलिसी में। तो इस तरह से क्या है, अनसर्टेनिटी बनी है कि नई गवर्नमेंट आएगी तो क्या होगा, चेंज हो सकता है, एग्जिम पॉलिसी नहीं हो सकता है, तो इस तरह से अनसर्टेनिटी बनी रहती है। इट इज वेरी, जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ही रिस्की होता है, इट इज वेरी रिस्की। सो वी कैन से दैट कि इसमें क्या है, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता। जो बिजनेस इन्वायरमेंट है इसमें क्या होता है, जटिलता होता है। ये जो जो इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, इट कंपराइजेस मेनी फैक्टर। इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो जटिलता उत्पन्न करते हैं। कैसे जटिलता उत्पन्न करते हैं, जो फैक्टर होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और जटिलता पैदा करते हैं। जैसे कि इन्वायरमेंट में जो फैक्ट्री से जो स्पेसिफिक फैक्टर हैं या जनरल फैक्टर हैं, जो भी सोशल लीगल पॉलिटिकल फैक्टर हैं, कंपटीटर कस्टमर सप्लायर इन्वेस्टर, ये सारे फैक्टर क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी उत्पन्न करते हैं, जटिलता उत्पन्न करते हैं। जैसे नई, अगर हमने फ्यूचर के लिए कोई प्लान किया है और उस प्लान के अकॉर्डिंग कर कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अचानक से एक इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हो गई या इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज हो गई, तो क्या हो गया, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, उस प्लान में कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। अब हम उस प्लान को कैसे चेंज करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर में हम देखेंगे कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उनमें जो भी कारक हैं जो बिजनेस को प्रभावित करते हैं उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है। उनको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, देखिए, एक इंटरनल फैक्टर और दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर क्या क्या है, जैसे प्लांट एंड पॉलिसी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कारपोरेट इमेज, प्लांट एंड मशीनरीज, लेबर मैनेजमेंट, रिलेशनशिप। एक्सटर्नल में आप देख रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक माइक्रो में कस्टमर कंपटीटर सप्लायर सोसाइटी, माइक्रो में है डेमोग्राफिक इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल पॉलिटिकल कल्चरल। चलिए एक एक को देखते हैं कि ये इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर होते क्या है, यानी आंतरिक कारक और बाह्य कारक। ऐसे सभी कारक आंतरिक कारक कहलाते हैं जिन पे एक संस्था का एक व्यवसाय का कंट्रोल होता है, यानी ये इट कैन नॉट बी आउटसाइडर, ये इनसाइडर होते हैं। हम प्लान और पॉलिसी संस्था का अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, संस्था के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज अपने अकॉर्डिंग उनकी व्यवस्था कर सकते हैं। अगर एक बिजनेस मैन चाहता है कि हम सिर्फ इक्विटी शेयर इशू करके हम कैपिटल या फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो भी है प्राप्त करें, तो वो क्या कर सकता है, वो इसके लिए स्वतंत्र है, वो कर सकता है, वो जिस तरीके से चाहे उस तरीके से फाइनेंशियल रिसोर्सेज अपने यहाँ ला सकता है। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट इमेज, ये संस्था के गुडविल, संस्था की गुडविल ये भी उसके बस में है कि वो अपनी अपना गुडविल कैसे बनाता है। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी, कौन सा प्लांट किस जगह पे अपना प्लांट स्टेब्लिश करता है, किस तरीके की मशीनरी किस तरीके की टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहा है। नेक्स्ट है लेबर मैनेजमेंट, वो अपने वर्कर का मैनेजमेंट कैसे कर रहा है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप, उसके वर्कर और मैनेजमेंट के बीच कैसा रिलेशनशिप है। ये सारे इंटरनल फैक्टर हैं, कहीं ना कहीं इनमें अगर कमियां हैं इनकी, ये एक संस्था की स्ट्रेंथ बन सकती है। अगर इनमें वीकनेस है तो उन वीकनेस को दूर किया जा सकता है। लेकिन जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो क्या है, ये आउटसाइड इट जो इट कैन नॉट बी कंट्रोल, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जो एक्सटर्नल फैक्टर है उन पे कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स लाते हैं।
ये बाय फैक्टर है। अगली क्लास में आपको बताऊंगी शॉर्ट एनालिसिस में कि कैसे एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर के थ्रू हम इन्वायरमेंटल एनालिसिस करते हैं। देखिए तो माइक्रो इन्वायरमेंट इसको दो भागों में बांटा गया है, माइक्रो इन्वायरमेंट और माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट जो मतलब सूक्ष्म पर्यावरण में आएंगे कस्टमर प्रभावित करते हैं बिजनेस को। कस्टमर की एक कारक है, कस्टमर की डिमांड प्रभावित करती है बिजनेस को। अगर कस्टमर की डिमांड आज कुछ और है कल कुछ और होगी तो ये क्या कर रही है, बिजनेस को प्रभावित कर रही है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर। मार्केट में अगर आज कॉम्पिटिटर कम है, कल श्योर नहीं है कि कॉम्पिटिटर उतने ही रहेंगे या और कॉम्पिटिटर नहीं आएंगे, तो इसलिए ये क्या है जो बिजनेस को प्रभावित कर रहा है, इन्वायरमेंट बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट है सप्लायर्स यानी किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि जो प्रोडक्शन करता था वही अपने प्रोडक्ट को बेच देता था, बट अब उनके बीच प्रोडक्शन जो कर रहा है और कस्टमर के बीच कंज्यूमर के बीच बहुत सारे लिंक जुड़े हुए हैं, जैसे होलसेलर रिटेलर एजेंट। नेक्स्ट है सोसाइटी भी प्रभावित करती है। सोसाइटी कैसे प्रभावित करती है, जो कस्टमर है वो किसमें रहते हैं सोसाइटी में, जो एक मनुष्य है तो वो क्या है समाज का एक हिस्सा है, तो इस तरह से सोसाइटी भी प्रभावित करती है एक बिजनेस इन्वायरमेंट को। नेक्स्ट है माइक्रो इन्वायरमेंट में यानी डेमोग्राफिक। पहला डेमोग्राफिक कैसे प्रभावित, जो डेमोग्राफिक फैक्टर होता है मतलब किस एरिया में बिजनेस है, किस तरीके का बिजनेस है, वहां के लोगों का आय क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है, तो इस तरह से ये प्रभावित करता है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर कैसे प्रभावित करता है, इकोनॉमिक फैक्टर अगर इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज होती है, इकोनॉमिक पॉलिसी में लाइसेंसिंग पॉलिसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी इस तरह की पॉलिसी अगर चेंज हो रही है तो क्या हो रहा है उसे बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है वो प्रभावित हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। जैसे पहले क्या होता था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे वर्कर काम करते थे, लेकिन आज उन वर्कर को रिप्लेस कर दिया, किसके उन वर्कर के जगह पे किसको ला दिया गया, कंप्यूटर को ला दिया गया। आज 100 वर्कर का काम एक कंप्यूटर कर देता है, या 10 वर्कर जहाँ लगते थे वहाँ एक कंप्यूटर ला दिया गया, अब 10 की सैलरी नहीं देनी पड़ेगी और वो एक कंप्यूटर उसका काम कर दे रहा है, तो इस तरह से जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है वो भी प्रभावित कर रहे हैं बिजनेस को। नेक्स्ट है पॉलिटिकल फैक्टर की जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि अगर गवर्नमेंट चेंज होती है, जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है वैसे ही लाइसेंसिंग पॉलिसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी या एक्जिम पॉलिसी इन सभी में क्या होता है चेंजेस आते हैं, तो इस तरह से पॉलिटिकल फैक्टर भी बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है। इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, इसमें फुल्ली किसी पे भी हमारा कंट्रोल नहीं, हम चेंज नहीं कर सकते। हम गवर्नमेंट पॉलिसी कोई चेंज हो रही है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, अपने अनुसार नहीं चेंज कर सकते। हाँ उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं लेकिन उसके स्टडी के द्वारा उसके एनालिसिस के द्वारा, इसी का हम एनालिसिस करते हैं इन्वायरमेंट एनालिसिस में। नेक्स्ट है कल्चरल फैक्टर, जहाँ का कल्चर जैसे फॉरेन का कल्चर कुछ और है हमारे यहाँ का कल्चर कुछ और है, तो इस तरह से कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा बिजनेस को प्रभावित करता है। तो इसी के साथ ये टॉपिक आज का हमारा खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाएंगे आपको इन्वायरमेंटल एनालिसिस में शॉर्ट एनालिसिस। तब तक के लिए थैंक यू।